सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुशांत के नौकर ने बिहार पुलिस से पूछताछ के दौरान ये साफ किया कि आत्महत्या से पहली रात सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं थी। सुशांत के नौकर ने बिहार पुलिस को बताया कि 13 जून की रात खाना खाने के बाद से सुशांत अपने बेडरूम में ही थे। 14 जून को भी सुशांत हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गए। उस रात ना तो वो कहीं बाहर गए और ना ही घर पे कोई पार्टी हुई। गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर पार्टी की खबरों को खारिज किया। सुशांत की कॉल डिटेल से मिली जानकारी के अनुसार सुशांत ने देर रात तकरीबन 2 बजे 2 फोन कॉल किए। ये फोन कॉल रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त महेश शेट्टी को किए गए, लेकिन दोनों से ही उनकी बात उस रात नहीं हो पाई। इससे पहले दिवंगत अभिनेता के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखकर यह जानकारी दी कि उन पर रिया के खिलाफ बयान दिए जाने को लेकर सुशांत के परिवार वालों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं है। आपको बता दें कि मामले की सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों में तू तू मैं मैं जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले को सीबीआई जांच करने से इनकार कर दिया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।